उसको नाला कुत्ते के साथ में, झगड़ो उसको और तेज से, झगड़ो उसको तेज से, झगड़ो उसको, झगड़ो पूरी बात कुत्ते के साथ में, मारो उसको और मारो नाला कुत्ते के साथ में, मारो उसको, झगड़ो उसको और तेज से, झगड़ो उसको तेज से, झगड़ो उसको नाला को उसके हाथा जकड़ो उसके और उसके हाथा पांव तेज के साथ जकड़ लो, छोड़ो तुम छोड़ो, जकड़ लो उसके हाथा पांव दोनों जकड़ो, तेज के साथ जकड़ो, लगा पूरी तरह लगा और जोर से कम बहुत जकड़ो उसको, उसको हलने मत दो, उसको जगह से उसको कमीने को लौटने मत दो, उसको ऐसा जकड़ो उसको जंजीर डाल के, उसके हाथा पांव काट दूंगा मैं दोनों उसके, उसके हाथों को सब तेजी से बनाओ, बनाओ उसको, जकड़ो उसको और तेज से, झगड़ो उसको, मारो उसको, खुद मारो उसके अंदर आग लगाओ तेज से, इधर लगाओ तुम करा के, लेकिन नाक में उसके पीठ पे सब तरफ, नाक में उनके खांदों पे पीठ पे सब तरफ लगाओ दम करा के, लेकिन इधर दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? जकड़ो उसको और तेज से, एक उंगली लगाने का खाली, इतना क्या कर रहे हैं, बोल रहे अब काट दू क्या तेरे दोनों हाथा, हाँ कहाँ से लाए थे, शमशान से, कब्रस्तान से, जो पूछा मैं उसका जवाब दे, एक्स्ट्रा में जवाब आने होना मेकू, और अभी उनका नाम बताना नहीं, जब तक मैं पूछूंगा कौन डाले तो उसका नाम बताना नहीं अभी जब तक, चल कहाँ से लाए थे, जोर से बोल, और जोर से मुझे सुने आना, कहाँ से, कहाँ के बाहर से, शमशान से, कब्रस्तान से, कब्रस्तान, अच्छा नाम नहीं पूछा मैं, खाली औरत लई थी आदमी लाया था वो बोल, कौन, नाम नहीं बताना, कौन लाया था औरत आदमी, औरत, कितना टाइम हो रहा लाके, कितना टाइम हुआ, चलाओ उधर उसको और तेज से आंख लगाओ उसके अंदर, चलाओ उसको और तेज से, लौटने मत दो उसको, नाला को जकड़ के रखो उसको तेज के साथ में, कब मारने वाले थे इसको, कितना टाइम बचा अभी मारने को, कब ले जाने वाला था, कब, हाँ अब मास में ये आने वाली, कैसा मारने वाला था, बीमारी डाल के, सांस रोक के, नल्डी दबा के, हार्ट लाग, क्या करने वाला था, रोक देने वाला था, क्या करना आप तेरे साथ सुलू, इसके घर में और किस किस को मारने वाला था, सबको, कितने जनों को, नामा बोल उनके, पूरे, किस किस को, पूरे, किन किन को, फेस मत ले, कपड़ा डालो रे सीधा, डालो मुंह पे सीधा कपड़ा, कितनों को मारने वाला था, और नामा बोल उनके, कौन कौन, कौन कौन, नासिर, मकूल, यूसुफ, इन सब को मार दो, वो औरत खाला, उसका नाम महमूदा, बच्चे पूरे, ये सब का सामान वाला था, बीमारियों को डाल के या एक्सीडेंट करके या सांसा रोक के, इनके बीमारी, अच्छा कौन से वाली, उठना बुखार खांसी, घर में किरकिरियां भी लगा रहा था क्या उनके, अरे खैरों बरकत सब उड़ा दिया था क्या, और क्या कर रहा था, और किस किस को लड़ा रहा था, अच्छा पूरे भयों में, और क्या पूछाने का है क्या, कुछ कुछ भी नहीं, इसके बच्चे का इंतजार, क्या नाम है उसका, अबूजर, मारे, मारा, कौन मारे रे अबूजर को, मारे, कब मारा वो, कब इंतजार हुआ उसका, अभी एक साल हुआ,
अबू जर कैसा हुआ तुमने? कैसा मारा तूने उसको? छाती पर बैठ के। कौन बोला था तेरे को मारा? औरत नहीं आदमी ने, नाम मत बोल खाली, मैं पूछा कौन मारा बोला? औरत बोली। और तूने मार दिया? कैसा मारा, क्या करा था तूने? बीमारी करके मारा। क्या हुआ था उसको? सूजन आती थी सिर्फ आंग, पूरा सूज गया था। कौन लाता था उसके आंग में सूजन? हाँ उन्हें जादू कर ली मुझे, जादू करा ली, कपड़ा डालो मुझे बराबर। ऐ नालायक, लौटने मत दो उसको, जंजीरा डाल के पकड़ के रखो उसको। और किसको मारा क्या उनके खानदान में से? अब इसको मारने वाला था, दूसरा नंबर इसका था। महमूद अभी का क्या लेके जादू चलाते वक्त? कपड़ा। कौन से वाला, कौन से कलर का? साड़ी का। अच्छा कौन से कलर की साड़ी थी वो? कब ले गए थे, कितना टाइम हो रहा ली जाके? साईं बोला तो पूरा जला दूंगा नाला। पानी की बॉटल लो रे, उसकी कहाँ स्प्रे किधर? साईं से बता कम बखत। नासर को खिली आ रही तो उधर कैमरे चालू हो, उधर कसम से बात करो, जकड़ो उसको और तेजी से। ये बच्ची का क्या लिख गए थे जादू चलाते वक्त? इसका क्या नाम है? तबस्सुम। तबस्सुम का क्या लिए थे? कपड़े। कौन से कपड़े? जलाओ उसको सर, तेज जलाओ नाला के अंदर से, आग लगाओ उसके अंदर तेज से, जलाओ उसको और तेज से। भड़काओ तेज से आग अंदर से उसके। अल्लाह में पढ़ते समाओ दी बहुत बार यहाँ आदमी देखो बिया आदिल हयाल मशकोई गई लंद वार देख ले शरीक ले कशुल उन्नो मुहम्मद ने अब्दुल करसुल फाला तक इन्हें अल्लाह में सिखाएंगे, तक इन्हें अल्लाह में तो पढ़ने में सुनोगे वहीं नहीं लाते कि अल्लाह محمد والي صحابي اتمنى احمد يا الرحمن جلاوز کے پاؤں میں ہاتھوں سے باندھ لگا دو تیز ایک ساتھ میں काट के बहुत लोगों की जान ले रहा था तू कमीने, बच्चे का जादू चलाते टाइम पे क्या लग गया उसकी मौत होगी तो? तो उन्हें जादू चलाते वक्त वो औरत ने क्या लिख दी थी वो बच्चे का? सही बोल रहे तो भी काट दूंगा, तेरे हाथ में भी आग लगाता हूँ कमबख्त, जलाओ हाथ में तेज से आग लगाओ, जोर से और जोर से। याद आया मैं काट दूं हाथ पूरा? याद कर फिर जल्दी। क्या लेकर गए थे बच्चे का जादू चलाते वक्त जिसका इंतकाल करा तुमने? कपड़े, कपड़े। कौन से कपड़े, क्या था? शर्ट पैंट बनियन? कौन से कलर का था? काला। कहाँ से ली थी उन्हें? घर में से चुरा के? बाहर से? कहाँ से? घर में से। इनकी रिश्तेदार है वो औरत? नाम पूछो क्या?
जादू चलाई उन्होंने, कौन से गांव से जादू चलाई थी तुझे, कहां से लाए थे, कौन से गांव से लाए थे तुझे, कौन सा है उसका गांव? हां विस्तृत सुने आना सबको जोर से बोल विस्तृत। सही बोल रहा तू, झूठ बोल रहा? सही बोल रहा? हां सही। हां वो तो बच्ची करते बहुत नमाज पढ़ती इबादत करती, झूठ बोल रहा करते तू? नहीं। हां नहीं, उन्हें जादू टोना कब करेंगी बोल रहे लोग? हां करी। हां करी। क्या दुश्मनी थी वो बच्चे क्यों मारी उन्होंने, बच्चे से क्या दुश्मनी थी उसकी? दुश्मनी है क्या थी? बोल बोल काट देता हूँ, अभी भसम कर देता हूँ तेरा हाथ नाला। जवाब दे, छोड़ दे तुम्हें, देखो अदब से जवाब आ दे तो अदब से तुम छोड़िए नाला, तुम्हारा मार मार के भी खत्म करा दूंगा, मारने लगूं पूरे से लड़ा के। हाँ चल। हाँ और कौन मिले आ रहा था उसके साथ में? हाँ दूसरे कोई खानदान में के? सही बोल, जल्दी बोल, कौन मिले आ रहा है? तो उसके घर के। कितने लोग मिले आए उसके घर के? पूरे। और क्या दुश्मनी चल रही थी? क्या दुश्मनी चल रही थी? पूरा होना मेरे को सबको मार के। वाह अरे वाह, मनमाना चल रहे, हाथा काटने लगा दिए तेरे अंदर सब लोगों के, तो कितनी मजा आएंगी फिर? कमबख्त नाला। क्या सुलूक करना था सब, तुझे काट के जमीन में गाड़ देना, के बाटल में डाल के गाड़ना तुझे जमीन में, के तेरे हाथा काट के लेके बाहर टंगा दूं? बोल। और कुछ पूछने का है? उनके साथ में और कौन मिले हुआ? कौन मिले वाला है रे, नाम बोल। घर में की। हाँ बोल। इतर लगाओ उसके नाक में पड़ के दम करा के लेके। हाँ चल रे बोल। अब पढ़ के तेजी से आंख भड़का दूंगा मैं, जल्दी बोल, भड़का हूँ तेजी से। इसका क्या नाम है? तबस्सुम। तबस्सुम पे 15 दिन। हाँ
इसका क्या लेके गए थे जादू चलाते वक्त? कपड़े। कौन से कपड़े? कोई तो मेरे ड्रेस। क्या था वो? शलवार, शर्ट, पैंट, कौन से कलर का? शर्ट। कौन से कलर का? मालूम नहीं, ध्यान में नहीं है। कौन लेकर गया था वो? औरत ने, आदमी ने, क्या खुद उन्हें ले गई? उन्हें ले के गई। सही बोल बे, ना आ रहा है जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास, मैं काट दूंगा पूरा। इसको काय में मिला के खिलाई ये बच्ची को? चावल में। कौन से चावल थे वो? क्या था? बिरयानी। कितने दिन हो रहा खिला के? 15 दिन। 15 दिन पहले बिरयानी दिए थे क्या लोगों ने भेज के? उन्होंने लेके आए थे। क्या लाए थे? बिरयानी। अब उन्होंने जो भी है आंग में आया उसके आके बयान करा, मुझे तो नहीं पता कौन है क्या है, उधर के नीदर के किधर के लोग हैं, वो जो भी उसको मार मार के शैतान पूछे तो उसको मार पड़ी। कौन मार रहा तो दिखता नहीं, मगर उसको मार तो पड़ी थी, उसके अंदर आग लग रही थी। बल्कि उन्हें इंसानों के शैतान हो, दोनों भी लातों के पुत्र थे, हाथों से नहीं मानते, जब उनको फटके पड़ते तो उन्हें सही बोलते। वो क्या बोला क्या नहीं मुझे तो पता नहीं, किसके नाम निकले क्या एक्स वाई जेड तुम बोल, मगर ऐसा किसी का भी करके नहीं करना, ऐसा गलत बात है, क्योंकि दुनिया आईना है, तुम जैसा सलूक करोगे दुनिया में तुम्हारे साथ वैसा सलूक होगा। बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं करना, किसी का घर नहीं जलाना, क्योंकि जब पलटाने वाला ओरिजिनल मिल जाता और जब पलटना चालू होता जादू तो होना, जब पलटता तो फिर करने वालों की बहुत बुरी शामत आ जाती, इतनी बुरी कि सारे वार उनके ऊपर जाते। शैतानों को मारे तो क्या करते, ये चिड़ जाते शैतान और बोलते हमारे इतनी मार पड़ा तुमने वाली जाके, किसके वजह से मार पड़ी? जिन्होंने छोड़े वो लोगों के, तो उनके घरों पे जाते बरोबर, उनके घरों पे जाके हमले करते, तुम्हारे वजह से हम फंस गए थे, हम कुत्ता मारे, इसे वारा पूर्व वापस पलटते। इस वास्ते इसे नहीं करना। बहुत सारे बातें, बहुत सारी दास्तानें, मैं क्या बोलूँ, बोलने को अल्फाज नहीं मिलते मेरे को, ये दास्तान देख के सुन के तुम्हारे हरकत है। वो बच्चे को मारे क्या बिगाड़ा था उसने, किसका गलत बात है ना, इसी के बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी दास्तान है, उसकी तो मारने आने क्या क्या उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, खैर अच्छे से और भी, तो अभी तो मार के इतना पूछे खुलासा करे, मारने आने से बचाने वाला पड़ा रहता, ऐसे हरकतें नहीं करना। बहुत सारी बातें, इबादत की रस्सी को अगर पहले से मजबूती से थाम के रखेंगे तो कभी क्या बोलते, तो ऐसी हरकतें करने के वास्ते तुम जा नहीं सकते, क्योंकि हदीस में सख्त मना करे आला ये सब बातों को, कि जो जादूगर के पास जाएंगे वो हमें से नहीं है, वो हमें से नहीं है, हमें से नहीं है, हमसे नहीं। और आशर के दिन उसकी शफाअत भी नहीं करूँगा मैं, अब 40 दिन की बात कर रहा तो हो जाएंगी अगर वो जादूगर के पास जा रहा तो रस्ते में जाने से पहले, और फिर आने के बाद भी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होंगी, फिर ये सब करके क्या हासिल हो रहा तुम्हारा दुनिया का? आदमी तो कल सब कुछ मरना है, हर 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 किस जानदार शेख को मौत का मजा चखना है, कुल नफ्सुल ज़ायखतुल मौत, फिर तुम क़यामत तक तो नहीं जीने वाले, मरने तो वाले, मरने के बाद कैसा भरना पड़ेगा फिर खबर में, ये सब सोचो। हाँ इसे नहीं करना, ऐसे हरकतें, और किसी को अगर कर रहे तो कोई ना परेशान कर रहा तो बददुआ करो उसके, क्योंकि बददुआ बहुत खतरनाक चीज है। दुआ को उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का कौल है, दुआ को जमीन और आसमान के बीच में रोक दिया जाता, उसको अर्श पे नहीं जान देते, बीच में रोक देते जब तक उसके साथ में दरूद शरीफ नहीं है, अगर दुआ के साथ में दरूद शरीफ है तो ही वो अर्श पे जा सकती है, तो पहले रोक दे। और बद्दुआ एक ऐसी चीज है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का कौल है, कि वो डायरेक्ट अर्श इलाही पर चले जाती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हल्के रखो उसको, ना ला तो छोड़ा मत उसको, उसको जंजीरा डाल के बन के रखो, उसको अभी छोड़ने का हुक्म नहीं दिया मैं, उसको खूब मारेंगे, उसको मार मार के साथ ठेसा बनाओ, और बाद में सोचूंगा मैं उसके साथ क्या करने का, बन के डालो उसको। कहां से आए तुम लोग? ठीक है, मैं जैसे अमल बता रहा हूँ उस तरीके से अमल करो, अल्लाह करो राइट करेंगे, और जिसके भी नामा निकले करे, लड़ना झगड़ना नहीं छोड़ो, अल्लाह मतलब ऐसी नहीं करनी चाहिए हरकतें। और मुझे तो पता भी नहीं है किसके नामा निकल रहा, क्या है मेरा, क्या है मेरी गलती, शैतान आ रहा तुम्हारे नाम लिख जा रहा, और उसको मार मार के बार बार पूछ रहे कि वो तो लोग आने एक वक्त है नमाज पढ़ने, उनका नाम क्यों ले रहा, तो बोल रहा क्या बोल रहा, तो पूछा जाऊ मेरा क्या सुन। चलो लो पानी, लो पानी, चलो रोक दो वो थोड़ा मुंह का नीचे करो। क्या हुआ अभी, सवाल जवाब हुए तो कुछ याद है क्या, यहाँ अंदर आने के बाद क्या हुआ, तो जबान से बोलो। नहीं।
कुछ भी नहीं, पेशेंट को याद नहीं रहता ना, पूरी जब हद आती पूरा शैतान जब आता कुछ याद, उनको कुछ से याद नहीं क्या हुआ अंदर। तो कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना आती नहीं आती पढ़ने? नमाज पढ़ भी थी, कुरान शरीफ पढ़ भी थी, लेकिन कुरान शरीफ की पेट भी धोखे डाली मैंने। उसके अंदर कुरान शरीफ रख दी, फिर बाद में काम करी, फिर बार कलर मारी। अच्छा, तुम आपको बिरयानी में कुछ खाने को लाए थे क्या कोई मेहमानों ने? 15 दिन पहले बिरयानी लाए थे। वो वीडियो में है देखो क्या क्या है, रिकॉर्ड हुआ बाद में देखो, तुम आपको समझ में आता क्या हुई थी दास्तानी अंदर। तो वो खिला के क्या बदमाशियां कर रहे थे, कौन कौन क्या क्या दसवें का मोहताज के छिल्ले का खाना नहीं खिला ना, बाकी खाना वो खाए तो क्या, अब किसी घर का मत खिलाओ, थोड़ा परहेज कराओ ठीक है। नमाज वो जरा पढ़ो, जरा दिल पे लेके 5 टाइम की इबादत वो करो। कौन है तुम्हारे में? ये भाभी है। कहाँ रहते आप लोग? चंदन जिले में, जालना। जालने में? जालना क्या तुम्हारा जिला है? जालना क्या? जालना जिला है, उसमें नगर है सुंदर नगर। अच्छा, अच्छा। चंदन जिलापुर के एरिया है वहाँ पर। क्या हो रहा था इनको, तबीयत खराब थी घर पे कुछ? तबीयत बोले इनके आंग में ऐसा कुछ चिट्ठी जैसा हो रहा था इनको, हाथ पैर टेढ़े कर रहे थे और ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। इसका मतलब क्या हो रहा था? पागल के जैसा? हाँ, पागल के जैसा, और कुछ लगता नहीं आदमी वो टाइप में कर रहे थे। घर पे हाजिर हुआ था क्या वो? हाँ, घर पे हाजिर हुआ था, रात भर हाजिर था। अच्छा, क्या बोला, कुछ सवाल जवाब? इनको जो है ना ईद के 2 रोज पहले इनकी तबीयत खराब हुई, वो बिरयानी खाने के बाद में। बिरयानी खाने के बाद में जो है तो एकदम से रात में 11 बजे इनकी छाती दबाई जैसी हो रही और श्वास बंद हो रही। हमने बोले थोड़ा हवा में बैठो, अब वो ऐसा ब्रेड भी चल रहा कोरोना का, तो हिसाब से थोड़ा हवा में बैठो, कुछ बुखार विखार आएगा चेक करा, तो कुछ नहीं हुआ बोले। अब आजू बाजू वाले देखने को औरत आ जाते ना, भाई क्या हुआ बोल के, तो दो चार औरतें जमा हुई, तो उसमें से हमारे एक पड़ोसी ने जो है तो दरूद शरीफ वगैरह पढ़ के पानी इनके आंग पे मारे और मले, तो इनका चिल्लाना चालू हुआ। उसके बाद में मेरे मामू का गांव है, ससुराल भी है तड़ेगांव बोल के, तो वहां पर एक डॉक्टर साहब है, कुरेशी डॉक्टर साहब बोल के, तो उन्होंने ऐसा बाहर का भी इलाज करते और डॉक्टर भी है, तो उनको जो है हमारे छोटे बहन ने फोन मारा, इनसे जो छोटे ही, तो उन्होंने फोन मारा और उन्होंने बोले क्या, बोले पहले मामू के बच्चे को फोन मारे, बोले आरिफ ऐसा ऐसा हो रहा, तो उन्होंने वो दवा खाने में सोए वाले थे, तो डॉक्टर साहब से बात करा, डॉक्टर साहब ने बोले उनके कान को फोन लगा तो जब ये हाजिर हो गया, कान को फोन लगाने के बाद में चिल्लाना वो चालू हो गया और बोलता था फोन बंद कर ऐसा बोलता था। तो फिर उसके बाद में हमने जो फोन वगैरह बंद करे और दूसरे दिन सवेरे 6 बजे लेके इनको निकल गए उधर चले गए लेकर गए, तो वहां पर भी हाजिर हुआ था। क्या बोला वहां पर भी? बोला सवाल जवाब करा। मैं बोले झूठ बोल रहा था वहां पर, लेकिन बोल रहा था बोले मैं बिरयानी के साथ में लग के आया, ऐसा वैसा बच्ची के साथ में बैठ के आया बोले बिरयानी के साथ, और कह रहा वो बना रहा था बेवकूफ, गैर है हिंदू है बोल के बोल रहा था, उनके पास जिसका ताकत नहीं तो बेवकूफ बना था, और बाद में यहाँ मार पड़ी तो कैसा फिर से ऐसे ही बोला, ये सब खड़े हाल रहते मारने वाले, उसको बहुत मारने लगा था मैं उसको और लेड़ा के, मगर यहाँ थोड़ा ये लोगों ने सामान बिखरा के रख दिया, बोल के मैं ये नहीं करा, सब उठा के हटा, दंगल का मैदान है, अखाड़ा है, सब मारने वाले खड़े रहते हैं, बरोबर मारते पुलिस से लड़ा के, तो कैसा फिर सही बोला फटाफट फोन करा, क्या करा, दंग हो गए तुम लोग सुन के, जिसका भी नाम निकला। तो मैं क्या बोलू, मैं तो मेरे मुंह से नहीं बोला ना, ये लोगों ने बोले, जो भी बोला उन्हें अंदर आके बोला, फोन डाला उसको, उनका नाम लिया उन्होंने आके, ऐसा गलत है ना, ये बहुत बुरी बात है, अरे शर्म करो, अल्लाह का आजाब अगर नाजिल होगा तो कहाँ जाएंगे, जादू टोना कट जाएगा दुआ पानी से, बीमारी भी कट जाती दवा गोली से, मगर आजाब इलाही अगर जहाँ नाजिल हो जाता ना, फिर वहां पर किसी का कुछ चलने नहीं देता फिर अल्लाह, ना दवा काम आती ना दुआ काम आती कुछ नहीं, क्योंकि दुआ कई को कबूल होंगी, दुआ अच्छे लोगों के वास्ते लगती है और अच्छे लोगों पे कबूल होती, आजाब इलाही जहाँ नाजिल हो जाता फिर वहाँ बहुत बुरा आलम हो जाता, बहुत खतरनाक, ना दवा कार करती ना फिर दुआ कार करती, इसलिए बचो, दुनिया तुम्हारे को मनमाना करने का दिया लेके, एक दूसरे पे जादू टोने करने को, तमाशे करने को, गलत बात है, इबादत करो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, कुरान हदीस है, घर के अंदर माहौल बनाओ, रात में एक टाइम औरता मर्दा बच्चे मोबाइलों में सब दीवाने हो गए जमाने में, 10-10 घंटे मोबाइल लेके बैठ रहे, मगर वो इस मोबाइल के अंदर कुरान के आते दुआएं ये सब चीजें याद नहीं कर रहे, दुआ मोमिन का हथियार है, तुम अगर दुआ पढ़ के खाते थे ना खाना, तो एक बार भी उनका वार चलता नहीं था,
ये खुदा की कुदरत है, क्योंकि तुमने अपने आप को अल्लाह के अमान में दे दिए, तो फिर अल्लाह के अमान में देने के बाद में अल्लाह से भारी कोई जमीन और आसमान में नहीं जो तुम्हारी हिफाजत करेगा, वैसे अल्लाह के जैसी। तो जब अल्लाह के अमान में देने के बाद तो फिर जादू टोना नहीं चलता था ना, अगर दुआ पढ़ के इन्हों खाते थे तो उस टाइम पे थोड़ी देर के बाद उल्टियों की दवा निकल जाती थी, क्योंकि अल्लाह के अमान में थे ना। अब नहीं, दुआएं तुम नहीं पढ़िए, गाने देखेंगे वो सारे गाने याद हो गएंगे तुम्हारे, जितने भी सॉन्ग पिक्चर के ये फलाने ढलके स्टोरियां, मगर दुआएं याद नहीं होंगे था शैतान, क्योंकि शैतान तुम्हारा दोस्त बन गया था, उसको दुश्मन बनाओ, उसको मार के डालो, उस पर लानत बरसाते रहो शैतान के ऊपर। वो नफ्स पे ज्यादा वो मत हो, नफ्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो, नफ्स बोले तो ख्वाहिशात कौन से जो तुम्हारे को यार पिक्चर देख लेते हैं, हम गाने सुन लेते हैं, अभी गाने सुन रहे ठीक है, तुम ऐसा सोचो कि अभी अजान हो रही है, मेरे को कौन नमाज पढ़ने से रोकता, मैं देखता मैं अभी जाके नमाज पढ़ता हूँ, ऐसा बोल के जाके पढ़ते जाओ तुम, फिर कौन रोकता तुम्हारे को, खुद तुम्हारी रूहानी ताकत मिल जाए तुम्हारे नमाज पढ़ाती। दो ताकत रहते शरीर के अंदर जो तुम्हारे गलबा डालते तुम्हारे ऊपर, एक बोलता मिसाल के तौर पर तुमको ये समझो ये डब्बा पसंद आ गया, तुम ये चुरा रहे, चुराने की नियत हो गया, पैसा तो नहीं खरीद सकते, अभी हम चुरा के लेके चले जाएंगे, तो एक अंदर से आवाज आती मन के अंदर जो बोलती मत चुरा गुनाह है वो, और एक बोलता अरे चुरा ले बहुत अच्छा है बाद में देखेंगे क्या होता तुम्हारे, तो जो चुरा ले बोलता वो नफ्स है, नफ्सी नफ्सी, और जो ना मत चुरा बोलता अजाब होगा, वो सब बातें याद दिलाता वो रूह रहती, तो रूहानियत जो है वो नेक रहती हमेशा। तो रूह की गिजा जो है तो वो जिक्र अस्कार है, जिक्र अस्कार ज्यादा करेंगे, दुआएं याद करेंगे तो तुम महफूज रहेंगे, महफूज किसका कुछ नहीं जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर ऐसा तुम्हारे पे आजाब नाजिल हुए वैसे बातें हो जाती, तुम्हारे अपने हाथों से अपने वास्ते बुरा लिख लिए अपने तकदीर में वैसे बातें होते हो, बोलते नहीं कि आबैल मुझे मार वैसा हो जाता, क्या बोलूंगा मेरे बोलने को अल्फाज नहीं, कितना समझाना नालायक लोगों को, तुम्हारे सब सिर के ऊपर से जाते मेरे बातें, अमला करना इबादत करना इबादत, सही सही बोलो, तुमने जो बिरयानी खाए तो दुआ पढ़ के खाए थे क्या, क्या पढ़े नहीं पढ़े होंगे, एक बार भी नहीं पढ़ेंगे, अगर दुआ पढ़ते थे इन्हों और दुआ पढ़ के खाते थे सिर्फ चार कदम जाने के बाद निकल जाता था, क्योंकि अल्लाह के अमान में अपने आप को दिया लड़ता ना, और अल्लाह कैसा होने देंगे, फिर जब तुम अल्लाह के अमान में अपने आप को सौंपते तो फिर सातों जमीन और आसमान में कोई ताकत नहीं जो आप तुम्हारे से टकरा सके, करना पड़ता इबादतों की रस्सियों को मजबूती से थामना पड़ता, घर का माहौल बनाना, कम से कम एक टाइम ऐसा रखना ईशा के बाद फजर के बाद कौन सा भी घर में एक घंटा तालीम देना दीन की, क्या तालीम देना, हदीस पढ़ना, बुखारी शरीफ लाना पढ़ना घर के अंदर, बच्चों को समझाना, चलो तुमको अब तो किताबा ढूंढने की जरूरत नहीं, मोबाइल के अंदर हर चीज है, फिर उनको किस्से सुनाना बताना ऐसा नमाज पढ़ने के तरीके हदीसें किस्से वाकियात, तो दीन तुम्हारे सीनों के अंदर ताजा हो जाएगा और मजबूती से फैलेगा नस नस में, तो जब तुम्हारे नस नस में दीन की रूहानी ताकत रहेगी फिर कहाँ से ये बदकार शैताना तुम्हारे अंदर आके बैठ सकेंगे, और रूहानी ताकत ही उसको लड़के भगा देती, आ ही नहीं सकता हूँ, ये सब बातों पे अल्लाह तुम सबको कहने सुनने से अमल करने की तौफीक दे, बस इस ज्यादा क्या बोलना, ठीक है सर।